सब्सक्राइब कीजिए माई फ्री रेसिपी यूट्यूब चैनल को और न्यू रेसिपीज वीडियो के रियल टाइम नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन जरूर दबाएं। नमस्ते, माय फ्री रेसिपी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ दही मूली सब्जी बनाने की रेसिपी। दही मूली सब्जी बनाने के लिए आवश्यक सामग्री: मूली 2-3 पीस, दही 1 कप, नारियल 1 छोटा टुकड़ा, कुछ हरी धनिया पत्ती, कड़ी पत्ता 6-7, हरी मिर्च 4, उड़द दाल 1 छोटा चम्मच, राई 1 छोटा चम्मच, रिफाइंड तेल 2 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं दही मूली सब्जी बनाना। इसके लिए मूली को छिलकर कद्दूकस कर लें। घिसा हुआ मूली एक बाउल में डालकर उसमें थोड़ा सा नमक डालकर मिला दें और ढककर 20 से 25 मिनट तक छोड़ देंगे ताकि मूली का एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए। अब नारियल को कद्दूकस कर लेंगे और एक बाउल में अलग रखेंगे। हरी मिर्च और धनिया पत्ती को काट लेंगे। दही को भी अच्छी तरह से फेंट कर तैयार कर लेंगे। अब हम मूली को हाथ से दबाते हुए उसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकाल कर मूली को अलग प्लेट में रख लेंगे। अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें राई के दाने डालें, हरी मिर्च डालकर अच्छे से तड़कने दें। इसके बाद उड़द दाल डालें और करी पत्ता डालकर हल्का भूरा होने तक भून लें। अब कढ़ाई में मूली डालकर मध्यम आंच पर नरम होने तक पकाएं। उसके बाद घिसा हुआ नारियल और नमक डालकर 2-3 मिनट तक ढककर पकाएं। अब यह हमारा मूली और नारियल का मिश्रण बनकर तैयार है। इसे बिल्कुल ठंडा होने दें। अब इसे एक बाउल में निकाल लें। इसमें फेटा हुआ दही और हरा धनिया मिला देंगे। अब यह हमारी दही मूली सब्जी बनकर तैयार है। मेरे इस रेसिपी वीडियो को आप लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।